एक होता है माइग्रेन, एक होता है सर्वाइकल। आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, ये क्या माइग्रेन है या सर्वाइकल है? और इसके लिए जो आप एक्सरसाइज बताते हैं, जैसा कि मैं अपने इंटरव्यू के दौरान एक फैमिली के घर गई, तो जो लेडी थी उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, तो वो जो एक्सरसाइज कर रही थी, तो आप जो कहते हैं महिलाएं अपना जो कंधा है वो उठा लेती हैं, वो वही कर रही थी। तो कायदे में मैंने उनके साथ बैठ के वो एक्सरसाइज करी तो उन्हें थोड़ा आराम मिला। तो इसमें फर्क क्या है? अच्छा देखिए, सर्वाइकल में आँखों के सामने अंधेरा नहीं आता, बल्कि सर्वाइकल में या तो चक्कर आ सकता है, अंधेरा नहीं आ सकता, या धरती घूम सकती है, ऐसा सब कुछ ऐसा लगेगा घूम गया। तो ये उनकी कोई कमजोरी है जिस्म की, अपने जिस्म का खून टेस्ट कराएं और देखें कि क्या कमी है। अक्सर ब्लड प्रेशर जिनका कम होता है उनको अंधेरा आ सकता है आंखों के सामने, या जिनमें खून की कमी हो उनको ये अंधेरा आ सकता है, या दिमाग की किसी कमजोरी से आ सकता है। लेकिन ये सर्वाइकल या कुछ और नहीं हो सकता। स्वागत है आपका। पूछिए। 3 लाख सवाल है। पहला सवाल था मेरा यह है कि आप किडनी के लिए वो बताते हैं नुस्खा, बल्कि जैतून वाला, क्या वो खाने के बाद भी दिया जा सकता है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मुझे पेशा बहुत बनता है, आपने शायद नुस्खा तो बता रखा है मुझे, अलसी धनिया सौंफ मेथी दाने, लेकिन अजीम साहब जब मैं बिरयानी वगैरह खाती हूँ तब तो मुझे इतना रेशा आता है कि रात को 2-2 3-3 बार उनके मुझे पूछना पड़ता है। और हकीम साहब तीसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे टॉयलेट आज तक बंद के नहीं हुई और मेरा वजन भी नहीं बढ़ रहा है। और हकीम साहब क्या मैं इसके लिए रोज मोरिंगा ले सकती हूँ आपका, मैंने मंगवा रखा है। और चौथा सवाल हकीम साहब मेरा यह है कि मैंने आपका गोल गोन की गोजा मंगा रखा है, तो मेरी डॉक्टर की भी दवाई चल रही है, तो क्या मैं उसके साथ, आपने बताया तो था कि आप गोन की गोजा ले सकते हो, तो क्या मैं उसके साथ और जो आपने मुझसे बता रखी है ले सकती हूँ? और मेरी दवाई भी डॉक्टर से चल रही है, चिलगोजा किसके लिए ले रही हैं आप? औलाद ना होने के अच्छा लिए, ठीक है ठीक है औलाद नहीं है ना उसको। ठीक है मैम। हाँ, डॉक्टर की दवाएं भी जरूर लें। डॉक्टर और हमारी दवा का कोई तजाद नहीं है, उसके साथ ये दवाएं ली जा सकती हैं। और समझदारी ये है कि अपनी वक्ती ज़रूरत एलोपैथी दवा से पूरी करें और मुस्तकिल ज़रूरत जो है यूनानी से पूरी कर सकते हैं। गौन चिलगोजा आप ले सकते हैं और एक बार वही रात को सोते वक्त हस्बैंड वाइफ दोनों ले सकते हैं एक एक खुराक। और जितनी भी दवाइयाँ आपने बताई वो एक वक्त में एक साथ आप लें तो कोई नुकसान ना हो, आप ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा मेरा तजर्बा है। वजन नहीं बढ़ रहा क्यों साहब? वजन नहीं बढ़ रहा। जी हाँ, गौन मोरिंगा तो एक ऐसा गौंद है कि अगर ये 1 ग्राम रोज लिया जाए तो उससे वजन बढ़ना, खूबसूरती आना, चेहरा शादाब होना, बालों की दराजी और बालों में घना होना, और सही वक्त पर अगर बच्चे बच्चियाँ लें तो हाइट का दराज होना, लंबा होना भी में भी फायदा मुमकिन है। जी, किडनी के लिए अलसी जैतून का नमक खाने के बाद ले रही हूँ। हाँ बेशक, खाने के बाद ले सकते हैं। कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिसमें ये नुस्खा भी कि चाहे खाने के बाद लें और चाहे खाने के पहले लें, आपको फायदा होना मुमकिन है। इनका कहना है रेशा बहुत बनता है मुंह में, और अलसी और धनिया का नुस्खा अपना रही हैं, और जब भी बिरयानी वगैरह कुछ खाती है तो ज्यादा बनने लगता है। बादी मिजाज के जो लोग हैं तो वो जब भी चावल, आलू या गोभी, ये 3 चीज़ें बहुत बादी हैं, इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बीमारी में इजाफा हो सकता है।